हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम ब्रेड और आलू से एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग एक रेसिपी बनाने वाले हैं, जो बनाना है बहुत आसान। आप इसको कभी भी एंजॉय कर सकते हो, जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे। तो बाहर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से सुपर सॉफ्ट। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल ली है अच्छे से। उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। मैंने एक फॉर्क की मदद से इसको मैश कर ली है। छोटा मोटा दाना रह भी जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत अगर दाना दाना मुंह में पड़ भी जाएगी ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो ये लो दोस्तों, मैंने तो आलू को अच्छे से मैश कर ली है। अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको तीखापन इसे ज़्यादा पसंद हो ना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालना है आपको। थोड़ी सी डालनी है बारीक कटी हुई हरा धनिया फ्रेश वाली। एक बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर तीखी वाली। एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। एक छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और डाल देंगे थोड़ी सी नमक अपने स्वाद के अनुसार। और इसमें डालनी है दोस्तों ब्रेड। मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ली है, इसको मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दी है। आप चाहो तो इसको मिक्सी में एक बार घुमा के भी डाल सकते हो। वैसे तो ब्रेड बहुत नरम होते ही है, जैसे ही आप इसको मिलाओगे ना, ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो बस इस तरीके से हम ब्रेड के साथ ये आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। और धीरे धीरे आप देख रहा दोस्तों कि ये ब्रेड ना बहुत ही जल्दी नरम हो जाएगी, और फ्राई होने के बाद वो तो कितनी क्रंची होगी वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक ये ब्रेड आलू के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है ना, तब तक आपको इसे मिक्स करते रहना है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी, इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखो, ये अच्छे से मिक्स हो गई है ना। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ढक के, ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर सके, और थोड़ी बहुत अगर ब्रेड हार्ड भी है तो वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस 10 मिनट हो चुकी है, ये देखो ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। थोड़ा सा तेल लेना है आपके हाथों में, ताकि ये आपके हाथ में चिपक ना जाए। और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हम लोइयां काटेंगे और बस इसको शेप देंगे। मैं तो इसको सिलेंडर शेप देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको गोल गोल बिल्कुल लड्डू जैसे शेप भी दे सकते हो। ये लो, मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। तो इसी तरह से हम सारे के सारे तैयार करते जाएंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। मैंने तेल को पहले से ही साइड में गरम करने के लिए छोड़ दी थी, और अभी आपको इसे फ्राई करनी है मीडियम फ्लेम पे। ये एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। धीरे धीरे आप देखना दोस्तों कि ये ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, और अंदर ना ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगी, ये बिल्कुल फोप ले बन जाएंगे। मतलब ये कितनी क्रिस्पी बनेगी, अंदर से भी ये थोड़े से नरम तो होंगे ही लेकिन क्रिस्पी भी रहेंगे। तो बस ये बिल्कुल फ्राई हो ही चुकी है, कलर देख के तो आपको पता चल गई होगी। तो अभी ना हम इसको निकाल लेंगे तेल में से। और हाँ, इसको गर्मा गर्म सर्व करना है अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। मेरे घर में बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि 3-4 ब्रेड ना ऐसे ही रह जाती है बहुत दिनों के बाद। वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी तरीके से ना उसकी पकोड़े बना लेती हूँ। बहुत ही अमेजिंग लगती है और मेरे घर वाले ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
अभी आप इसको मेयोनेज के साथ खाओ, टमाटो केचप के साथ खाओ या फिर हरी चटनी के साथ, किसी के साथ बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपने देखा इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है, सारे के सारे घर के ही सामान है, तो इसको तो एक बार घर पे ट्राई करना ज़रूर बनता है। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले ब्रेड और आलू के पकौड़े कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।